दुर्गा दुर्गतिशम दुर्गा पत्नीवाणी दुर्मच्छेद दुर्साधनी दुर्नाशनी दुर्गतो धारणी दुर्हंती दुर्मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्दैर्लोकमाला दुर्गमा दुर्मालोका दुर्मार्पणी दुर्मार्पदा दुर्गम विद्या दुर्माष्टा दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भाषणी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्मार्पणी दुर्गमा सुसंत्री दुर्मायुध धारणी दुर्मांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्भीमा दुर्भामा दुर्भा दुर्धाणी नामावलिमास्तु दुर्गायाम मानो पठेत सर्वान् मुक्तो भविष्यति न संशय। नवरात्रि यानी माँ की आराधना का पर्व, माँ से मुरादे मांगने के नाम। नौ दिनों में आपके सिर्फ मुरादे ही नहीं, हर प्रकार की सिद्धियां भी होंगी। बस इसके लिए आपको करनी होगी माँ की विशेष आराधना। कुछ खास मंत्रों का जाप कर आप हर सिद्धि कामना को पूरा कर सकते हैं। कुछ इसी तरह की कोशिशें ग्राम कुदमुरा की इस बूढ़ी माता मंदिर में जारी है। गांव के देवी मंदिर में 9 दिनों तक विशेष पूजा आराधना बैगा की अगुवाई में होती है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर छूटते भक्तों देवी माता चढ़ी हुई है। कहते हैं जिस पर देवी सवार होती है वो घंटों इसी तरह झूकता रहता है, मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाता है। सिर्फ बैगा के इशारे पर देवी को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है ताकि गांव में सुख चैन और समृद्धि का वास हो। मतलब आँख बंद हो जाता है, ऐसा लगता है अचानक मतलब कुछ आ गया है सिर में, ऐसा लगता है। उसके बाद हिलने लगता है सिर, हिलने के बाद पूरा मतलब होश रहता है लेकिन उतना होश नहीं रहता है। आदमी को पहचान लेते हैं झूठे समय लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलता है। बूढ़ी माता की आराधना में पूरा गांव जुटा हुआ है। गांव का हर व्यक्ति उस नजारे को करीब से देख रहा है जिसके जरिए देवी को प्रसन्न करने की कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ कीलों से सजा एक झूला है जिसकी बैगा पूजा करता है। इसके बाद ये माना जाता है कि देवी माँ इस झूले पर सवार होकर झूलती है। अंधविश्वास की सैकड़ों बरस पुरानी परंपरा पर झूठ के भक्त जब इस झूले पर झूलते हैं तो उनको कीलों की चुभन का एहसास नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि देवी की कृपा से कीलों की नोक फूलों की कोमलता का एहसास कराती है। झूला बनाया जाता है और झूला कांटा का मतलब कांटा रहता है उसमें, और उसमें बैठ के झूलने से ऐसा लगता है कि मतलब गद्दा में बैठ के झूल रहे हैं जैसे लगता है, कांटा जैसे नहीं लगता। देवी के सामने झूठते भक्तों की भीड़ में शिक्षा अशिक्षा का भेदभाव नजर नहीं आता, लिहाजा हर कोई बैगा के इशारे पर देवी को प्रसन्न करने में जुटा हुआ है। पूर्वजों का जो देवी देवता के प्रति जो आस्था है, उस आस्था को इंसान के रूप में देवता आते हैं और उसको उस हिसाब से हम लोग सेवा सत्कार करते हैं, और इसी से हम लोग का जो आत्मविश्वास है उससे जुड़ा हुआ है देवताओं के प्रति। गांव के इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं, लंगड़ा 9 दिनों तक अपने पैरों पर चलकर माँ की पूजा करने इस दरबार तक आता है, बीमार ठीक हो जाता है, और जिनको औलाद नहीं होती वो मैया की मेहर के बाद संतान पा जाता है। नवरात्रि के मौके का गांव के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। मेरा बाल बच्चा नहीं हो रहा, मैं यहाँ 3 साल हो रहा। भक्तों की माने तो 9 दिनों तक इस जगह पर उन सभी देवी देवताओं का आना होता है जो गांव की सरहद से जुड़े हैं। देवी देवता की शक्ल में झूठते इन लोगों की भीड़ में नाग देवता का आना भी होता है।
नाग देवता यहाँ आए और लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़े। अंधी आस्था कहें या फिर बरसों पुरानी मान्यता, मानते इन ग्रामीणों को विश्वास है कि देवी देवता उनकी इस हरकत से खासे प्रसन्न हुए। गांव वालों की भीड़ के बीच कोई त्रिशूल, कोई सांटा तो कोई कुछ लेकर झूकता है, मगर किसी को भी रत्ती मात्र की खरोंच नहीं आती। देवी की आराधना के दौरान मौके पर मौजूद हर महिला के केश खुले नजर आते हैं। पूजा खत्म होते ही सब महिलाएं अपने अपने केश बांध लेती हैं। ये माना जाता है कि देवी की आराधना के दौरान मौके पर मौजूद हर महिला के केश खुले होना जरूरी है। इसके बाद गांव के लोग साथ लाई गई पूजन थाली में दीप जलाकर एक साथ माता की आरती करते हैं। आरती के बाद भोग प्रसाद का वितरण होता है। गांव के बैगा की माने तो देवी को प्रसन्न करने के लिए कई परंपराओं को पिछले 5-6 सालों से शुरू किया गया है। नवरात्रि की धूम में जहां शहरी क्षेत्र में डीजे और लाइव ऑर्केस्ट्रा की धुन पर रास गरबा हो रहा है, वहीं देवी की प्रसन्नता के लिए ग्रामीण भक्त तरह तरह की कठिन आराधना में इन दिन जुटे हुए हैं। के लिए कैमरा सहयोगी धीरज दुबे, राजश्री गुप्ते के साथ सत्यप्रकाश पांडे।